कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी है नवाबों के शहर लखनऊ की, कोरोना काल। कौन जानता था कि आने वाला साल कोरोना काल में बदल जाएगा, कि लखनऊ को अपनी आगोश में ले लेगा। हमारा खूबसूरत शहर लखनऊ, हर तरफ हाहाकार है। शमशान घाट पर लाशें जल रही हैं, कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाया जा रहा है। किसने सोचा था कि आम जनता बिना किसी जुर्म के अपने ही घरों में कैद होकर रह जाएगी, और जो बाहर निकलकर आजादी से जीना चाहेगा वो अपनी ही जिंदगी से ही आजाद हो जाएगा। किसी खबर थी इस दौर में, इस महामारी में अपने ही अपनों को खुद से इस तरह दूर कर देंगे कि जिंदगी में तो कांधे से कांधा मिलाकर चल ना सके, लेकिन मरने के बाद भी अर्थी को कांधा नसीब ना होगा। फिर भी इस जानलेवा बीमारी कुछ लोग अपनी जान हथेली पर लिए लोगों की मदद करना अपना फर्ज समझते हैं। सिर्फ हम नहीं, इस शहर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और विशाल पंडित और ताबीज जैसे लोग आज भी इस सरजमीन लखनऊ में मौजूद हैं, जिनके जज्बे को हमारा सलाम सलाम। ये है विशाल पंडित, जो अपने पिता को कांधा भी ना दे सका। कोरोना ने इसके पिता को इससे छीन लिया। रघु भैया नहीं आए? भैया घर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। ऐसा है संध्या, तुम घर चलो, मुझे कुछ काम है, मैं काम निपटा के आता हूँ। अपना ख्याल रखना। भाई, एक बात बताने थे आपसे। आजकल आपकी बहन और ताबी भाई दोनों मिलजुल बहुत रहे हैं, इन लोग के बीच में कुछ चल रहा है क्या? मुझे ठीक लगा जो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप देख लिए। अच्छा, सही कह रहे हो, कुछ सुनने में मेरे भी ऐसा ही आया था। देखता हूँ। संध्या! क्या हुआ रघु भैया, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? तुझे मालूम है तू क्या कर रही है?
तुम्हें पता है ना वो मेरा कितना बड़ा दुश्मन है, और तुझे यह भी पता है कि वो एक मुसलमान है। तू उससे मोहब्बत और इश्क करेगी? वो मुसलमान है? तुम उस दिन कहां गए थे जब तुम्हारा मरे हुए बाप की लाश पे तुम्हारी एकलौती बहन रो रही थी, और उस दिन वही मुसलमान हमारे साथ खड़ा था। तेरी इतनी औकात, तुम उससे जमाने लाएगी? दिया है तो ये भी सुन लीजिए, मैं उससे प्यार करने लगी। जा, मर जा। क्या बात है भैया, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक जवान बहन का सुझाते हो, आखिर क्या किया उसने? वाह, तुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, तेरी बहन बाहर क्या गुलछल उड़ा रही है। जरा पता कर जाकर वो भी मुसलमान लड़के के साथ। अब संभालो अपनी प्यारी सी बहन को जो आपकी बेइज्जती कराए हुए। देखो संध्या, संध्या देखो बहन, मैं क्या संभाल क्या रोगो भैया जो कह रहे हो सच है। देखो यार संध्या, प्लीज तुम पहले रोना बंद करो और तुम बैठो। पहले संध्या, संध्या मेरी बहन, प्लीज ना रो। देखो संध्या, मुझ जैसा बेटा जो अपने बाप को ना देख सका, एक तो वो गम और दूसरे तुम्हारा गम। तुम जानती हो ना संध्या, बचपन से आज तक मैंने तुम्हारे आँख में आंसू नहीं देखा, मगर आखिर ऐसा आज क्या हुआ है कि रघु भैया ने तुम्हारे पर हाथ उठाया? संध्या, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मेरे जाने के बाद क्या हुआ है, और ये रघु भैया कोई मुसलमान लड़का है उसके बारे में बता रहे थे, ये सब कैसे हुआ समझिया, क्या हुआ मुझे बताओगी? भैया वो बात कुछ ये है कि बेटा मेरा मार्क्स उठा दो। भैया तो पापा के लिए कुछ करते क्यों नहीं? तो तुम्हारे भी तो बाप है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? नहीं, पापा को कोरोना हुआ है, मैं उनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। भगवान तुम्हारे जैसी औलाद किसी को, और मैं इस घर में नहीं आऊंगा जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं होती। परेशान मत हो, हो सकता है ये हमारा आखिरी वक्त हो। पापा भी क्या कह रहे हैं, मैं भी आपके लिए ऑक्सीजन मंगवाती हूँ। हेलो, आपके यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है क्या? इतना बड़ा हॉस्पिटल और आपको ऑक्सीजन नहीं है? पापा, विशाल भैया आप यहाँ क्यों नहीं है? अगर आप यहाँ होते तो हमारे पापा ठीक हो जाते। पापा मैं विशाल भैया को बुलाती हूँ। विशाल को बुलाना मत, क्योंकि शहर में लॉकडाउन लगा है, अपना रघु दोनों भाइयों का ख्याल रखना। पापा ऐसे हालात में मेरा सगा भाई भी मेरा साथ छोड़ के चला गया, और मेरे विशाल भैया जो मुझे समझते हैं वो भी यहाँ नहीं है। अब मैं अकेले आपका क्रियाकर्म कैसे करूंगी पापा? पापा पापा कुछ बोलते क्यों नहीं? उठिए ना पापा, पापा उठिए ना प्लीज।
भैया क्या हो गया यहाँ? यहाँ संध्या दीदी रहती हैं, उनके पापा की कोरोना के मारे डेथ हो गई, इसलिए सब लोग दूर दूर हैं। अच्छा भैया हाथ लगवा लो कुछ। मैं नहीं लगूंगा, मैं नहीं लगूंगा। Excuse me. क्या हो गया? मेरे पापा कोरोना की वजह से हमें छोड़ के चले गए और इसी वजह से कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या करा जाए, ये कोरोना की बीमारी ऐसी है जिसने अपनों से अपनों को दूर कर दिया है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके पिताजी का जनाजा मैं उठाऊंगा। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुख है। 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 ये लिए आपके पापा की अस्थियाँ। मैं आपको जानती नहीं हूँ, फिर भी आपने मेरे और मेरे पापा के लिए जो किया, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इसमें एहसान की कौन सी बात है? शायद आपकी जगह कोई और भी होता, मैं यही करता। आखिर इंसान इंसानी के काम आता है। वैसे हाँ, अगर आपको और कुछ मदद चाहिए तो ये रहा कार्ड, आप कॉल कर लीजिएगा मुझे। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताबिश है। नहीं नहीं, अभी मेरी नमाज का टाइम हो रहा है, फिर किसी दिन आऊंगा मैं। ठीक है। हेलो संध्या जी। जी जी बताइए। कब? 5 बजे। कहाँ? अच्छा अच्छा पास वाली पार्क में। ठीक है आ जाऊंगा। ओके बाय। आप तो जानते ही हैं कि मेरा भाई कितना बदमाश किस्म का है और मैं नहीं चाहती कि आप उनसे मिलें और वो आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दें। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो जाए। संध्या सारी बात तुम्हारी सही है लेकिन मुझे कुछ कहना है तुमसे। क्या? आओ बता। संध्या मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था, वो ये है कि जिस वक्त तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी वो मौका नहीं था बताने का, लेकिन संध्या उस वक्त तुम मुझे पहली नज़र में अच्छी लग गई थी। ताबिश मैं भी आज तक आपसे कह नहीं पाई पर आप भी मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, आप थे। पर मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और
पिताजी को कोरोना ले गया। एक भाई है, वो भी बदमाश किस्म का है, जिसको आप जानते हैं। पर मेरे एक और भाई हैं, विशाल भैया, जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं। मेरी हर खुशी, दुख, तकलीफ सब वो समझते हैं। ताबिश, क्या तुम भी मेरे भाई की तरह मुझे समझ पाओगे? जितना तुम्हारे विशाल भैया तुमको चाहते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुमको चाहूंगा। पर ताबिश, मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, क्या ये समाज हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा? समझा, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती है, इंसानियत दिल में होनी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप नहीं है जैसे कि तुमने बताया, तुम्हारे विशाल भैया तुमको बहुत चाहते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मैं तुमको चाहूँगा। समाज की रही बात, समाज को जाने दो, मैं तुमको अपनाता हूँ। ताबिश, हम कभी अलग तो नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं। सच? मुच। I love you, संध्या। I love you too. भैया, यही वो आप बीती है जो मुझ पर बीती है। मैंने जो भी किया बहुत सोच समझ के किया। भैया, मेरी खातिर, मेरे प्यार के खातिर आप एक बार ताबिश से मिल लीजिए ना, वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा। संध्या, देखो मैं तो मान जाऊंगा, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर क्या ताबिश के घर वाले मानेंगे? क्या वो तुमको अपनाएंगे? नहीं संध्या, मुझे नहीं लगता। भैया, कल ईद है, बहुत खुशी का दिन है, क्यों ना कल आप जाके मेरे और ताबिश के रिश्ते की बात कर लें। संध्या मेरी बहन, जैसे कि तुमने बताया कि ताबिश एक फरिश्ता है, और जहां तक मैं जानता हूं, जिस मुल्क में कपड़ों से ज्यादा कफन बिक जाए, उस देश के मुसलमान कभी ईद मनाए नहीं सकते। सही कहा भैया आपने, जब हमारे पापा को कोई कफन देने वाला भी नहीं था, उस वक्त ताबिश ने ही हमारी मदद की थी। मैं ताबिश से ज़रूर मिलूंगा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, उसको फ़ोन लगाओ और उससे बोलो कि विशाल भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, कल ठीक 9 बजे हमारे नए वाले घर पर, मैं उसका वेट करूँगा। ठीक है? ठीक है भैया। साहिल भैया, साहिल भैया, क्या वो सुल्तान इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैं जो बताने जा रहा हूँ ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। क्या बात है? अरे ताबिश भैया और वह लड़की पारिक में गुटुरगुल कर रहे थे। कौन लड़की? अरे भाई, जिसका बाप कोरोना से मर गया था, अरे इसकी चिता ताबिश भैया ने जलाई थी। मुझे बताना था, मैंने बता दिया, बाकी अब आप लोग जानो, चलता हूँ। ये लड़का जीने नहीं देगा, देख लीजिए भैया, अब यही सब सुनना और देखना रह गया था। ठीक है, तुम चुप रहो, मैं उससे बात करूंगा। वालेकुम अस्सलाम, आइए महाशय, तशरीफ रखिए। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों, क्या कर दिया मैंने ऐसा? यार तुम हिंदुओं की चिताएं जलाते फिर रहे हो और उसकी लड़की से प्यार भी कर रहे हो, अब पूछो कि मैंने किया क्या है? मैं उससे बात करता हूँ। माफ कीजिएगा भाईजान, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है जो इसका इतना दिमाग खराब हो रहा है। अपने साथ साथ ये हम लोगों को और हमारी कौम का नाम खराब कर रहा है। तू चुपचाप क्यों बैठा है? कुछ बोलेगा? ये जो हम लोग बोल रहे सुन रहे, झूठ है या सच है? माफ कीजिएगा साहिल भाई, मैंने जो उस लड़की के लिए किया वो इंसानियत थी। हाँ, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि वो हिंदू है। हमारे मजहब में कहीं ये नहीं लिखा है कि हिंदू से प्यार करना गुनाह है। हाँ, हमारा मजहब ये भी नहीं सिखाता कि हिंदू मुसलमान में पैर रखो। वाह भाईजान, अब ये हमें मजहब सिखाएंगे। साहिल, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा?
एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मुझे तो लगता है ताबिश और सदिया की शादी करवा देना चाहिए। माफ कीजिएगा भाईजान, मुझे तो लगता है आप ही सट जा गए हैं। नमस्ते भैया। ताबिश। नमस्ते। आओ। ताबिश। बैठो ना प्लीज। शुक्रिया भैया। और ताबिश कैसे हो? ठीक है भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ। ताबिश, तुमको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी शुक्रिया भैया। लेकिन भैया हम ईद कैसे मना सकते हैं? क्यों क्यों नहीं मना सकते भैया? हमारे मुल्क में, हमारे शहर में इस कोरोना महामारी ने लाखों लोगों की जान ली, लाखों बच्चे यतीम कर दिए, कितनी मांगें उजाड़ दी। भैया हम कैसे ईद मना लें? हाँ, जिस दिन ये महामारी हमारे पूरे मुल्क से ख़त्म हो जाएगी उस दिन हम मुसलमान ईद मनाएंगे और पहली मिठाई आपके घर लेके आएंगे भैया, और आपका मुंह मीठा कराएंगे। गुड ताबिश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और समझा, ये तुम्हारे बारे में बताया था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। मगर ताबिश, मुझे तुमसे कुछ बात करना थी। देखो ताबिश, ये प्यार मोहब्बत मैं समझ सकता हूँ, मगर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये समाज तुम लोग को अपनाएगा? क्या तुमने ये सोचा है कि कल को ये लोग क्या कहेंगे, कैसे कैसे ताने देंगे? ताबिश, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है, और फिर लोग कुछ कहें ना कहें, क्या तुम्हारा अपना परिवार तुम लोग को अपनाएगा? कभी नहीं। क्योंकि ताबिश, हमारे तुम्हारे बीच में जो खाई है वो शायद कभी ना भर सके, ये बात तुम भी समझते हो। और तुमने जो हमारे ऊपर उपकार किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता, मगर ये बात तुमको समझना होगी कि तुम क्या करने जा रहे हो। नहीं ताबिश, तुम्हें संध्या को भूलना होगा। भैया मैं जानता हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं ये भी जानता हूँ संध्या हिंदू है। भैया ये समाज अपनाए या ना अपनाए हम दोनों को, लेकिन मैं संध्या से बहुत प्यार करता हूँ भैया, बहुत प्यार करता हूँ। भैया मैं अपने प्यार की भीख मांगता हूँ भैया, भैया संध्या को मुझे दे दिया भैया, प्यार की भीख मांगता भैया, भैया मेरा प्यार मुझे वापस दे दिया भैया, भैया मैं संध्या से बहुत चाहता हूँ भैया। अभी मेरे या तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा। क्या तुमने सोचा ये समाज वाले तुमको कैसे कैसे ताने देंगे? कल को वो यही कहेंगे कि एक हिंदू लड़की ने एक मुसलमान से शादी कर ली। मैं सच कहता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, और कुछ मजबूरियाँ हम लोग के आगे, इसको समझो तुम। प्लीज भैया, प्लीज नहीं मानता भैया, मैं बहुत चाहता था संध्या को भैया, प्लीज भैया। ताबिश, मैं सच बताऊं तो मुझे तुम बहुत पसंद हो, ये मेरी कुछ नसीबी होगी कि तुम मेरी बहन को अपनाओगे। ताबिश, इतना प्यार कर रहा हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं हर तरह से राजी हूँ। मगर ताबिश, क्या तुम्हारे परिवार वाले शादी के लिए राजी होंगे? क्या उनको तुम मना लोगे? जी भैया, बिल्कुल मना देंगे,
भैया हमारे परिवार में आसिफ भाई है, वो आपको जोर की नमाज के बाद 1 से 4 के बीच में मिलेंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा भैया।